राइट, सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे दिस इज मी सुपर सिद्धांत आपके साथ। और आज सुपर सिद्धांत के सुपर चैट रूम का दरवाजा आप जब ऐसे खोलेंगे तो आपको बहुत सारे टैलेंटेड लोग देखेंगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे अलावा जितने स्क्रीन पे है ना उनको देखो, ये सब इन सब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और एक बहुत अमेजिंग सीरीज लेके आ रहे हैं, ये काली काली आंखें, ये गाना आपने सुना होगा। और ये सीरीज आने वाली है जिसकी स्टोरी आप ट्रेलर देखेंगे आपको पता चलेगा कितनी अमेजिंग और कितनी हुक्ड ऑन है, मतलब आपके वीकेंड सॉर्टेड करने के लिए सब लोग हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ सिंह गुप्ता, ताहिर राज वसीन, श्वेता त्रिपाठी एंड आंचल, वेलकम टू रेडियो सिटी गाइस। थैंक यू। अच्छा आप लोग, मुझे सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं बिकॉज इतना कुछ आ रहा है ना कॉन्टेंट, प्लस जो बाहर थिएटर्स बंद हो रहे हैं, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट, आई एम श्योर कि आप लोग भी होंगे, बट जितना कॉन्टेंट आप लोग भर भर के दे रहे हैं। पहले सबसे पहले ताहिर भाई से एक बात पूछना चाहूंगा, भाई आप अभी क्रिकेट खेल रहे थे, उसके पहले आपने मर्दानी की, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की, अब आपके पास जो मेकर्स आते हैं वो आपको बोलते हैं कि भाई स्टोरी इसमें दो लड़कियां आपके बीच पागल हैं, यू आर लाइक ओके डन। बस बिल्कुल ओके डन, क्योंकि इससे पहले मैंने रोमांस किया नहीं है, और अगर करना है तो फिर दो एक्ट्रेसेस होनी चाहिए ना भाई, क्योंकि आपकी जितनी आ रही है ना अभी वो सब में सेम चीज है। अभी रंजीत सर के लिए मैं आपका वेट कर रहा था, उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, जो इंटरव्यू कैंसिल हो गया, कुछ तो हो गया, मैं उस दिन भी सेम बात पूछने वाला था कि भाई आपके पास आप अब क्या सुन के स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं। रोमांस, रोमांस और एंटरटेनमेंट, सिर्फ रोमांस, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, वो तो आपकी सारी फिल्में सब कुछ दे ही रहा है, तो उसमें जो लव और डिजायर का जो दिखाया है बीच में कि अ वुमन हु लव्स हिम एंड अ वुमन हु डिजायर्स हिम, तो आप मतलब आपको ज्यादा मजा किस में आता है? एज एन एक्टर दोनों करने में बहुत मजा आया, क्योंकि दो खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस थी जो, और एक अलग सुर था दोनों का कहानी में, तो एज एन एक्टर दोनों को, दोनों दोनों में बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। एज विक्रांत लव में थोड़ा ज्यादा कामनेस रहेगी उसकी जिंदगी में, डिजायर थोड़ी अनजान में आ जाती है। पर ऐसा होता है भाई, क्योंकि जब इतनी दो खूबसूरत लड़की आपके पीछे पागल है तो आपको थोड़ा काम रहना पड़ता है, यू कैन नॉट गेट द अरे बम फाड़ देंगे आज तो बिल्कुल नहीं, खासकर कि जब एक खूबसूरत लड़की का बाप एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो तो बम बिल्कुल नहीं फाड़ सकते, पहले अपने बम फाड़ते हैं और फिर कुछ करना पड़ता है। मैं वही सिद्धार्थ से पूछना चाह रहा था कि ये जो अब ओटीटी पे इतना खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं, ब्रूटैलिटी हो चाहे कुछ भी हो, इट्स लाइक आप टीवी सीरियल भी करते डायरेक्ट और अब आप ओटीटी पे जितनी सीरीज है वो, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोई सीढ़ियों से गिर जाता है या किसी बाइक से टक्कर लग गई, इसमें सीधा धार बंदूक निकाली धार, इन दोनों के डायरेक्शन में आप डिफरेंस कुछ बताइए ना कि आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। देखिए मैं तो बड़ा ही हूँ ये सब देख देख के तो मुझे तो ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस चल रहा है इसमें, बल्कि क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं फिल्में देख रहा हूँ। शोले मैंने 300 बार देखी है, सलीम जावेद की मैंने सारी फिल्में देखी है, एक फिल्म आई थी स्कारफेस, मैंने 7 दिन जाके थिएटर में चारों शो 7 दिन देखे। तो मेरा तो ये जॉनर है, तो आपको आपको शुरू से पता था कि मुझे सीढ़ियों से सिर्फ थोड़े टाइम तक गिराना है, बाकी एक्चुअली वो मौका नहीं मिल रहा था बंदूक मारने का, अभी तक सीढ़ियों से ही गिरा रहा था, फिर थैंकफुली अपरानंद देखी और ये इसमें गोलियां चला रहा हूँ। प्लस अब ओटीटी पे जब इतना खुल्लम खुला है, हमारी गज गामिनी गोलू भी हमारी मैं एक्चुअली मुझे जो बोला था श्वेता त्रिपाठी, मैंने कहा प्लीज डोंट कॉल श्वेता, गोलू है वो उनके साथ है मेरा इंटरव्यू, मुझे ऐसा बोलो तो मेरा जूम बना रहेगा। बट श्वेता आपकी जितनी सीरीज आई है अब तक, मिर्जापुर मसान वगैरह सब में इतना कुछ खुल्लम खुला है, व्हाट डू यू वांट टू से इस ये काली काली आंखें को लेकर? जो इमोशंस होते हैं वो खुल्लम खुला ही होने चाहिए, जो कहानियां होती हैं छुपाने से क्या फायदा। एब्सोल्युटली, तो इसमें क्या अलग था आपके बाकी सारी चीजों में, जितनी ब्रूटालिटी है इसमें किस रेंज तक वो चीजें और कितना पैक्ड है और बाकी कितना खुला था? यार पता है सच्ची में अगर आप वायलेंस और ब्रूटालिटी के बारे में बात करो ना तो मुझे लगता है हम अपनी विंडो खोलेंगे या फिर अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ेंगे, तो वो जिस तरह से दिल तोड़ता है ना, हम ऑन स्क्रीन तो वी आर नॉट शोइंग इवन 10% ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, न्यूज में जो चल रहा है वो पढ़ के नींदें गायब हो जाती हैं। सो इट्स वेरी टू अंडरस्टैंड कि हम जो दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं। ऑल्सो अगर आप कहानी देखो, चाहे आप मिर्जापुर लो या आप ये काली काली आंखें लीजिए, जो गन उठा रहे हैं वो खुश नहीं है। अगर आप गन उठा रहे हो तो वो मुश्किलें हैं, एंड इट्स वो कहते ना दलदल, क्विकसैंड है कि आप उसमें धंसते जा रहे हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई दूर रहो इन सबसे अगर खुशी चाहिए। तो विक्रांत और शिखा कितने प्यार में अपने
डॉगी को डिस्कस कर रहे हैं, अपने सपने डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, एंड देन जब पावर आ जाती है तो पूरी इक्वेशन ही पलट जाती है. तो मैं तो सब कुछ चाहूंगी कि जो ओटीटी में है, जो हम दिखा रहे हैं खुलम खुला, उससे सीखो और इन सब चीजों से दूर रहो. एब्सोल्युटली. और ओटीटी की वजह से शायद जितने बड़े बड़े इश्यूज हैं वो हम दिखा पा रहे हैं, वरना एक रेंज थी कि उसके आगे आप नहीं दिखा सकते. इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स आपको पता चलता था, बट नाउ सिनेरियोस, एवरी स्टोरी इज कमिंग टू अ लाइफ जहां पर दिखा सकते हैं आपको क्या हो रहा है. ओके आंचल, यू आर प्लेइंग अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु डिजायर्स समवन, और जो इससे चाहिए वो मिलता है. तो आपके कैरेक्टर को लेकर आपने कैसे प्रिपेयर किया? हमने सही कहा कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर जिसको जो चाहिए तो मिल रहा है, लेकिन इसने वो जिसको चाहती है वो भाग रहा है दूर. इट्स एन इंटरेस्टिंग चेज, यू नो, इट्स अ रोलर कोस्टर चेज विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. और इसकी तैयारी के लिए देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन एंड स्टोरी को समझना, क्योंकि जब सिद्धार्थ सर ने इसको वो इतने टाइम से स्टोरी के साथ थे तो वो बोलते ना द सोल इज विद हिम, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो हम सबको अपने सोल से इंट्रोड्यूस करवाए, उनकी दुनिया में आने दे. और उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया, और आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, कि हमको हमारी कैरेक्टर्स की जर्नी के बारे में पूरी डिटेलिंग पता थी. जो चीजें स्क्रिप्ट में नहीं होती है उसके आउटसाइड और आउटसाइड ऑफ द स्क्रिप्ट भी पता था दैट व्हाई इज हिम डूइंग दैट. So, उसके लिए आई ऑल्सो हैड वर्कशॉप विद देवेंद्र भट्टाचार्य टू यू नो क्रैक सर्टन थिंग्स अबाउट कैरेक्टर. एंड आई थिंक ऑल्सो वेन यू स्टार्ट प्लेइंग द कैरेक्टर ना, शूट फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा सा आपको लगता है कि ये दुनिया को मैं क्या जस्टिफाई कर पा रही हूँ, क्या यू नो ये ठीक जा रहा है कि नहीं, बट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है. और जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता वहां पे सिद्धार्थ सर तो है ही डायरेक्ट करने के लिए, आपसे करवा लेते हैं. अरे और सिद्धार्थ सर, क्योंकि सीरियल के जो एक्टर्स होते हैं उनको आपको हमेशा ब्रीफ करना होता है कि यू हैव टू एनाउंसिएट प्रॉपरली, बिकॉज जो अगर कोई लेडी किचन में खाना बना रही तो उसे भी सुनाई देना चाहिए कि सीरियल में क्या चल रहा है. बट इट्स अबाउट ओटीटी पे चीजें हैं तो वो विजुअल्स हैं, एंड इट्स लाइक वेरी नेचुरल, यू हैव टू प्ले ऑल द कैरेक्टर्स नेचुरली, लाइक ताहिर भाई डज एवरी टाइम की बहुत नेचुरली डायलॉग्स को बोल देना, श्वेता, आंचल, एवरीवन. तो वो चीज उसके बारे में ब्रीफ कैसे करते हैं? आपको कभी लगता नहीं मुझे यहाँ से यहाँ स्विच करना है? नहीं, एक्चुअली वो मीडियम्स बिल्कुल अलग है. बिल्कुल मीडियम अलग है, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही तरीके से बोला कि वो जो किचन में खाना बना रही है उसको भी सुनाई देना चाहिए. एक तो आपके यहाँ आ रहा है वो पूरी की पूरी कहानी, और अब वो इट्स लाइक सी वो एक डेली न्यूज़पेपर है. वो क्या है, वो डेली ये किताब है, इनसाइक्लोपीडिया. तो इसमें जब आप इन दोनों में एक फर्क ये है कि आपको उसके पास वापस आना पड़ेगा, उसकी लिखाई में बिल्कुल फर्क होना चाहिए. तो उसमें जो डिमांड है ना, एक डेली न्यूज़पेपर की डिमांड अलग होती है और एनसाइक्लोपीडिया की डिमांड अलग होती है, जो आप रख सकते हैं और कभी फ्यूचर में आप रिकमेंड कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं. सो इट्स टोटली डिफरेंट, दीज आर टू डिस्टिंक्ट मीडियम्स. तो उसमें शूट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर वो अगर आपको मालूम हो बेसिक्स क्या है. सब लोग पूछे और आप लोग फटाफट इस बार श्वेता बोलेंगे एक मिनट इसका आंसर मैं दूंगी. अच्छा ताहिर भाई, आपकी 83 रिलीज हुई और उसके बाद वापस से ये चीजें ओमाइक्रॉन की वजह से बंद हो रही है, इट हैज अफेक्टेड द नंबर्स समहाउ. तो आपको मतलब कैसा लग रहा है कि यार अभी तो खुला था और फिल्म इतना अच्छा करी, इट हैज डन रियली वेल, और बाकी जो टाइडो सिटीज है वहां पे थिएटर्स बंद होना, उससे जो इम्पैक्ट हुआ, प्लस ओटीटी पे इतना कंटेंट आना? जी देखिए, एज एन एक्टर हु इज पार्ट ऑफ अ फिल्म, मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये चीज रहेगी कि ऑडियंस की सेफ्टी और हेल्थ. मैं कभी भी ऑडियंस से ये नहीं चाहूंगा कि आप अपने सिक्योरिटी को दांव पे लगाते हुए जाके एंटरटेन होइए. तो सबसे पहले इस वक्त इम्पॉर्टेंट है हेल्थ और सेफ्टी. दूसरी बात, आपने आपने कही बंद होने की, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के हाथ में तो है नहीं. ये फिल्म जो है मेरे लिए करना एक इमोशनल डिसीजन था. 1983 में मैं पैदा नहीं हुआ था, पर लगता ऐसा है कि उस टाइम हम पैदा हुए थे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो मेरे मम्मी पापा के जनरेशन से, मेरे दादा दादी के जनरेशन से, वो वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री है वो हम सुनते हुए आए हैं. और ऐसे हिस्टोरिकली हमारे स्पोर्ट्स के लिए, हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण मोमेंट को आप रिक्रिएट कर सकते हैं ऑन सेल्यूलॉइड,
और वो फीलिंग आप फिर से ऑडियंस को दे सकते हैं ऑन अ बिग स्क्रीन, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये थी। और मेरा मानना है कि एक टाइमलेस कहानी है, उसे आप आज देखेंगे, पांच हफ्ते बाद या पांच महीने बाद फीलिंग आपके दिल में वही रहेगी। अच्छा, इस फिल्म इस सीरीज के गाने जो हैं वो भी बहुत अमेजिंग है, इट्स ऑन स्पॉटिफाई, और मैंने सुने ये काली काली आंखें जो थीम है, आप लोग इन गानों की कितनी सेटिंग में बैठे थे? नहीं, मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सर जैसे डायरेक्टर की खास बात यह है कि वो बहुत म्यूजिकल हैं। जब वो शूट करते हैं तो ऑन सेट भी हमेशा आपको अगर गाने का स्क्रैच बना हो तो वो सुनाया जाएगा, अगर स्क्रैच ना बना हो तो उससे मिलता जुलता जो उस सीन का मूड है वो गाना हमेशा बजेगा सेट पे। एंड तो बहुत ही मतलब जो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मतलब जब हमने शूट किए थे तो उस वक्त हमारे पास गाना नहीं था, पर जब मैं उनको अभी देख रहा हूँ ट्रेलर में तो लग रहा है जैसे इसी गाने के लिए वो सीन्स बने, तो खास बात ये करें। और म्यूजिक जो हमारी बॉलीवुड की और हमारा इंडियन कंटेंट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बेसिस पे स्टोरी लाइन होती है और गाने उस मतलब बहुत सारा घुमा फिरा के सब कुछ मिला के बनता है। श्वेता कौन से एक सॉरी एल्बम बाहर आई है, आई बीन लिसनिंग टू इट ऑन लूप, एंड यू नो एज एन एक्टर इट्स सो एक्साइटिंग, क्योंकि आप जब दूसरे फिल्मों के गाने सुनते हो तो आप अपना प्यार दुख दर्द जो भी अपने इमोशंस रिलेट करते हो, बट ये तो हमारी गाने हैं। करेक्ट, सो दैट सच अ गुड फीलिंग, दैट ओनरशिप जो हक होता है ना, सो आई मुझे तो सारी छोटी चीजें कह लो या बड़ी चीजें कह लो इन सब में बहुत मजा आता है। करेक्ट, और आपको आपके आपका एक कैरेक्टर जो उस गाने में एक्चुअली है और एक जो रियल लाइफ में आप हो उन दोनों से कनेक्ट आता है। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली थैंकफुली मैं लाइफ में अपने लिए कोई दुखी वाले कहानी गाने नहीं सुनती हूँ, पर जैसे इसमें भी सखी रे करके जो गाना है इट्स ब्यूटीफुल, एंड मतलब आई एम नॉट बिकॉज हमारा नहीं 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 इट्स ट्रू, सच में वो बहुत अच्छा जो है ना, दिल को छू जाती। Absolutely. और इसका बहुत क्रेडिट जाता है जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और उनकी जो समझ है शिवम और अनुज की वो थोड़ी कन्वेंशनल बॉलीवुड से थोड़ा सा हटके है, जो कि आई थिंक इसको ऐड करता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ सीरीज को, और जो गाने हैं वो सीन से टेक अवे नहीं कर रहे बल्कि उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, और ये एक मतलब एक अलग से एक अपने आप में एक कला है। यही होता है कि जब ताहिर और श्वेता आंसर दे देते हैं और जब आप मुझसे कोई पूछता है तो मेरे पास कुछ मटेरियल रहता नहीं है बात। आप दोनों आंसर्स को मिला के बोलो। हाँ, दोनों आंसर्स को मिला के पॉइंट्स दे दिए तो इसलिए मेरे काफी आंसर्स में होता है एज ताहिर एंड श्वेता सेड दैट, उसके बाद में अपनी बात बोलती हूँ। तो नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो लोग, एंड यू नो एक सिद्धार्थ सर की ना एक छवि है मेरे दिमाग में, वो मुझे हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। मतलब उनको ज्यादा he doesn't like to interact too much with people because वो अपनी ही एक दुनिया है और अपनी इस दुनिया में ही ना तो हो जाते हैं, उसी दुनिया में लिखते हैं सोचते हैं, एंड आई थिंक कि ऐसा ही होता होगा बिकॉज सर मुझे हमेशा कहते हैं कि यू नो राइटर की जर्नी एक बहुत ही यू नो लोनली जर्नी होती है, अलोन जर्नी होती है, तो यू नो he always has his earphones plugged and he's always listening to music. aap koi bhi era ka gana, aap koi bhi genre ka gana, aap koi bhi desh ka gana, koi bhi language ka gana aap puchenge sir ko pata hai uske bare mein, so he literally breathes music in, you know, so so is show mein music ek bahut important hissa hai, so it's not by coincidence, it's because it is his show and he has got music in. And as Tahir and Shweta have also said that music is so complimenting to the subject and to the story actually. And to the characters na, ki music is an added benefit to the story. Matlab agar again mujhe Siddharth sir ki ek baat yaad aayi, usme wo jab bhi mujhse shoot karwate the wo kehte the ki mein scene itna tumhare andar itna acche se hona chahiye ki agar dialogues na bhi hon एक्सप्रेस कर पाओ उसको, तो ये चीज हमेशा याद रखना। सो म्यूजिक डज द सेम टू द स्टोरी लाइन, यू नो इफ यू लिसन टू द म्यूजिक यू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ एवरी कैरेक्टर, व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टोरी, सो इट इज सो कॉम्प्लीमेंटिंग टू द स्टोरी, एंड थैंक्स टू शिवम एंड अनुज, आई कांट स्टॉप सेइंग थैंक्स टू देम फॉर गिविंग अस सच सोलफुल एंड फिनोमिनल म्यूजिक। सुपर्ब, नाउ सिद्धार्थ सर।
सबने सबने बताया कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा, what do you wanna say about the music? Again, like now, now sir, you can say as Tahir, Shweta and Anchal have said. As Tahir. एक तो मैं बड़ा हुआ हूँ यही सुन सुन के, इसी तरह ये ऐसे ही फिल्में देख के. म्यूजिक हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम. दैट्स व्हाई आई राइट इट इन द स्क्रिप्ट कि यहाँ गाना आएगा, यहाँ इंटरकट्स होंगे, यहाँ चाहे वो अपर हो अनदेखी हो, ये उसमें हर जगह स्क्रिप्ट पे लिखा रहता है यहाँ ये होगा. और ये म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक तो उनमें से मेरा लड़का है सीधी दे एंड ही इज अब्रॉड. और ये जो अपना या ही इज इन, ये पूरा म्यूजिक यूएस में बना है, यूएस और इंडिया पार्टनर है अनुज. और इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स ने म्यूजिक बजाया बिकॉज वो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में, तो जितने भी जो उसके साथ जो म्यूजिक जो प्ले कर रहे हैं उसमें बहुत सारा बैंड बाहर का है. प्लस अनुज जो है, अनुज हिंदी क्लासिकल में एक मतलब ही हैज डन हिंदी क्लासिकल एंड इज वेरी गुड. और जो फ्लूट बजता है वो बजाता है. और वो अनुज को मैं जानता हूँ जब से वो 10th क्लास में था, तब से वो हमारे साथ है. और ये शिवम तो खैर जब से वो पैदा हुआ तब से मैं जानता हूँ. तो क्या होता है, और वो मुझे जानते हैं दोनों के दोनों. तो उनको बताना कि ये है स्क्रिप्ट, ये है सिचुएशन, ये गिव योर टेक ऑन इट, सो दे कम अप विद समथिंग कम्प्लीटली न्यू, यू नो, एंड देयर साउंड इज वेरी न्यू. वो कन्वेंशनल बॉलीवुड साउंड नहीं है. तो इसलिए मुझे बहुत एक अच्छा लगता है. और वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं वो अपने तरीके से, उसे एक नया एज. और जब इतना अच्छा नरेशन होता है, प्रॉपरली ब्रीफिंग होती है कि इस गाने में ऐसा है सीन है, ऐसा सीन है, तो वो बन के भी निखर के भी बाहर आता है और वो दिख भी रहा है ट्रेलर में. तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीकेंड बिंज है विद अ पिंच ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिक, विद अमेजिंग आर्टिस्ट, अ ग्रेट डायरेक्टर और बहुत ही सुपर स्टोरी लाइन. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. आई होप कि ये सब जल्दी से खत्म हो तो मैं आप लोगों से सामने स्टूडियो में मिलूं. लाइक दिस इज वर्चुअली, ये बहुत हो गया. जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी सेम तमन्ना है हमारी. मैं सच में जा रहा हूँ कि खत्म हो तो हम लोग रेडियो स्टेशन में बहुत चीजें प्लान करते हैं. जब भी आप लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं हमारे, तो हम बहुत सी चीजें प्लान करते हैं. अब हम भी मिस कर रहे हैं, हमारा एक वो पार्ट पीछे रह गया. हम देखते हैं 2020 में कि हाँ भाई, होपफुली सून. हाँ, आई होप कि बस ये खत्म हो जाए. दिस इज द लास्ट वेव, वी डोंट वांट एनी मोर वेव्स. नो रियली, बट थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज सो फन. थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, बाय. थैंक यू सो मच, प्लेजर स्पीकिंग टू यू. बाय बाय. रेडियो सिटी.